नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज लेकर आए हैं कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स जिनको अपना के आपके घर और किचन के काम होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा आसान। अगर आपको आज के टिप्स ज़रा भी पसंद आते हैं तो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। देरी न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट टिप है कॉटन के कपड़ों को लेके। जब भी हम लोग कॉटन के नए कपड़े ले आते हैं तो क्या होता है, इसमें कलर भी बहुत ही ज़्यादा निकलता है, साथ ही कपड़े बहुत ही ज़्यादा कड़े होते हैं। तो इसको मुलायम करने के लिए आपको करना क्या है, ले लेना है एक फिटकरी का टुकड़ा, उसको आपको अच्छे से पीस लेना है और पानी में डाल देना है। इसके बाद में ले लेना है एक चम्मच पूरा भर के नमक। दोनों चीज़ों को डालने के बाद में हाथों से आपको इस तरीके से अच्छे से घोल की तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से घोल दिया है। इसके बाद में जितने भी कॉटन के कपड़े आप नए लाए हों या जिन कपड़ों में कलर निकल रहा है तो उन कपड़ों को आप इस पानी में डाल दीजिए। रात डालने के बाद में इसको आप चाहे तो 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, आप इसको पूरी रात के लिए इसी तरीके से पानी में डाल के छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, जो हमने इसमें फिटकरी डाली हुई है ये कलर को बहुत ही अच्छे से पक्का करती है और जो इसमें हमने नमक डाला है वो कपड़े को एकदम से सॉफ्ट और मुलायम बनाता है। अगली टिप है यहाँ पर पुरानी बेकार पड़ी हुई टी शर्ट को लेके। आपको लेना है यहाँ पर पुराना टी शर्ट। तो टी शर्ट का जो गले वाला हिस्सा होता है, सबसे पहले आपको करना क्या है, इसी गले वाले हिस्से को आपको हाथों से इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको छोटी छोटी प्लेटें जैसी बना लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। इसके बाद में आपको ले लेना है एक रबड़, और रबड़ को आपको इस तरीके से जहाँ से आस्तीन होती है उसी के नीचे से आपको अच्छे से सेट कर देना है। जैसे आप रबड़ सेट करेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से बंद हो जाता है। इसके बाद में इसको आपको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद में कुछ इस तरीके से ये बन जाता है। यहाँ पर आपको ले लेने हैं जो भी आपके पास पुराने बेकार कपड़े पड़े रहते हैं, जैसे कि बच्चों के छोटे कपड़े हो जाते हैं या कुछ फटे हुए कपड़े होते हैं, उन्हीं कपड़ों को आपको ले लेना है और इसके अंदर इस तरीके से भर देना है। कपड़े भरने के बाद में जो ऊपर का खुला हुआ हिस्सा है उसको आपको पकड़ लेना है, छोटी छोटी प्लेटें इस तरीके से बना के पूरे में तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस तरीके से प्लेटों को बना लिया। इसके बाद में आपको फिर से एक रबड़ लेके और यहाँ पर सेट कर देना है। जब आप रबड़ को इस तरीके से सेट कर देंगे तो ये काफ़ी अच्छे से बंद हो जाएगा। इसके बाद में आप चाहे तो जब भी ज़मीन वगैरह में बैठते हैं तो वहाँ पर आप इसको बैठने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इसके ऊपर बैठेंगे ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लगने वाला है। इसके अलावा आप इसको बेड पे भी रख सकते हैं, साथ ही सोफे वगैरह पे भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो पुराना टी शर्ट था वो भी काम में आ जाएगा, साथ ही एक फ्री का कुशन भी बन के तैयार हो जाएगा। अगली टिप है यहाँ पर चॉपर को लेके। जब भी हम लोग चॉपर का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, जो इसकी डोरी होती है ये बहुत ज़्यादा कड़ी बंद होने लगती है, और कड़ी जब इस तरीके से खींचने लगती है तो जब भी हम लोग कोई भी चीज़ इसमें पीसते हैं तो बहुत ही टाइम लग जाता है। तो आपको करना क्या है, ले लेना है नारियल का तेल। जहाँ पे भी ये डोरी है उसमें जो छिद्र होता है उसी में आपको नारियल का तेल 3 से 4 बूंदे इस तरीके से डाल देना है। जब आप इस तरीके से नारियल का तेल डाल के और इसको बार बार बंद करेंगे और खोलेंगे तो आप देखेंगे जो आपका चॉपर है बहुत ही ढीला बंद होने लगेगा, खुलने लगेगा। तो इस तरीके से आप इसकी डोरी को सही कर सकते हैं, क्योंकि डोरी जाम होने लगती है जब आप तेल को डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से सही हो जाएगी और बहुत ही अच्छे से ये चलने लगेगा। अगली टिप है आपको लेना है यहाँ पर पॉलीथेन। पॉलीथेन को आपको करना क्या, इस तरीके से काट के निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी पॉलीथेन अलग कर ली है, इसको आपको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में सबसे पहले इसको आपको इस तरीके से गुलाई में सेप दे देना है, और जो बीच में कोने वाला हिस्सा है यहाँ पर आपको छोटा सा छेद बना लेना है। तो इस तरीके से मैंने इसको तैयार कर लिया है। इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं चॉपर के ढक्कन पे। जब भी हम लोग चॉपर में कोई भी चीज़ पीसते हैं, टमाटर प्याज, उसकी जो प्योरी होती है वो ऊपर ढक्कन में आके चिपक जाती है, और जब भी ढक्कन में चिपक जाती है तो ढक्कन को धुलना पड़ता है, और ढक्कन बार बार धुलने की वजह से जहाँ पर डोरी लगी होती है वहाँ पे पानी चला जाता है, जिससे कि डोरी भी ख़राब होने का डर रहता है। तो आप इस तरीके से पॉलीथीन को कट करके ढक्कन पे सेट कर लीजिए। इसके बाद में कोई भी चीज़ पीसेंगे, जो भी उसके कण छोटे छोटे लगते हैं वो पॉलीथीन के ऊपर लगेंगे,
तो पॉलीथीन के ऊपर लगने से क्या होगा, आपको पॉलीथीन को निकाल के डस्टबिन में डाल देना है। इससे आपको बार बार ढक्कन को नहीं धुलना पड़ेगा, ढक्कन आपका साफ रहने वाला है। अगली टिप आपको लेना है इस तरीके का, कपड़े वाला कोई भी कैरी बैग। तो यहाँ मैंने मिठाई के साथ में जो बैग आता है वही बैग लिया हुआ है। आप इस कोई भी तरीके का बैग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपको करना क्या है, इस तरीके से गुलाई में काट के अलग कर लेना है। तो मैंने इस तरीके से थोड़ा सा टुकड़ा इससे निकाल लिया। इसके बाद में आपको इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में इसमें आपको फिर से गुलाई दे देना है। तो इस तरीके से आपको इसको छाट के तैयार कर लेना। आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से इसको बना लिया है। और जो इसके कोने का हिस्सा होता है इसमें आपको छोटा सा छेद बना देना है। तो ऐसे आपको इसको तैयार कर लेना है। इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं कुकर पर। जब भी हम लोग कुकर में दाल वगैरह बनाते हैं तो कभी कभी ध्यान नहीं जाता है, जिससे कि दाल उबल जाती है और हमारा ढक्कन भी गंदा हो जाता है। गंदा होने की वजह से इसको धुलने में हमारा बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाता है। तो आप इसको बना के रख लीजिए। जब भी आप कुकर में कोई भी चीज़ बनाए तो इसको आप इस तरीके से सेट करके ऊपर से सीटी को लगा दीजिए। तो जो भी इसमें उबलेगा दाल चावल उसका पानी कपड़े पे लगेगा, ढक्कन आपका बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। इसको आपको निकाल के और डस्टबिन में डाल देना है या आप साफ कर सकते हैं। तो ऐसे आपको ढक्कन को नहीं धुलना पड़ेगा। अगली टिप है लहसुन छीलने को लेके। तो आपको करना क्या है, ले लेना है यहाँ पर लहसुन। और लहसुन को आपको करना क्या है, इसमें इस तरीके से फंसा लेना है। तो यहाँ पर जैसे आप इसमें लहसुन को फंसाएंगे तो ये काफ़ी अच्छे से सेट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको इसको बना के तैयार कर लेना है। इसके बाद में गैस को ऑन कर लेना है और गैस का फ्लेम धीमा रखना है। और लहसुन को आपको करना क्या है, बस हल्का हल्का सेक लेना है। इसको भूनना नहीं है, केवल आपको धीमी आंच में थोड़ा थोड़ा गर्म करना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं मैंने इसको बंद कर लिया है और गैस को बंद कर दिया है। हल्का हल्का गर्म होने से क्या होगा, जो इसके छिलके हैं काफ़ी ज़्यादा गर्म होने की वजह से सॉफ्ट हो जाते हैं। इसके बाद में जब आप इसको छीलेंगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। जो इसके छिलके हैं झटपट तरीके से निकल आएंगे। तो सबसे पहले आपको कलियों इस तरीके से निकाल के अलग कर लेना है। इसके बाद में इसको आपको हाथों से मसल देना है। जैसे आप हाथों से मसलेंगे तो जो इसके छिलके हैं तुरंत ही निकलने लगेंगे। तो ऐसे आपको थोड़ी देर तेजी से इसको मसलना है। तो आप देखेंगे जितने भी इसके छिलके हैं झटपट तरीके से निकल के अलग हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं छिलके काफ़ी अच्छे से निकल आए हैं। तो इस तरीके से आप बिना हाथों को दिक्कत दिए हुए बहुत ही आसानी से लहसुन को छील के तैयार कर सकते हैं। आपके नाखून वगैरह भी दर्द नहीं करेंगे, साथ ही जो छिलके हैं झटपट तरीके से हट जाएंगे। आप देख सकते हैं जो लहसुन है कितने अच्छे से छिलके तैयार हो गया। ऐसे आप ज़्यादा मात्रा में भी छील सकते हैं। अगली टिप है कपड़े सुखाने को लेके। बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा समस्या आती है कपड़े सुखाने में, क्योंकि जो कपड़े होते हैं बहुत ज़्यादा गीले रह जाते हैं धूप ना निकलने की वजह से। तो अगर आप इस तरीके की समस्या से परेशान हैं कि कपड़े वगैरह बादल की वजह से नहीं सूख रहे हैं, तो आपको करना क्या है, ले लेना है कढ़ाई और गैस को आपको ऑन कर लेना है। गैस का फ्लेम आपको धीमा रखना है। गैस धीमी होने के बाद में आपको इस तरीके से जो कढ़ाई है इसके ऊपर उल्टा करके इस तरीके से रख देना है। तो यहाँ पर गैस को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है, धीमा ही रखना है। तो इस तरीके से जैसे ही कढ़ाई हल्की हल्की गर्म होने लगे तो आपको करना क्या है, जो गीले कपड़े हों उनको आपको ले लेना है और इसके ऊपर इस तरीके से रख देना है। जैसे ही कढ़ाई गर्म होगी तो जो गर्माहट होगी वो कपड़ों में लगेगी। तो कपड़े आपके जो गीले हैं या हल्के हल्के सीढ़े थे बहुत ही अच्छे से सूख जाएंगे। इस तरीके से आप छोटे बड़े किसी भी प्रकार के कपड़े को बहुत ही आसानी से सुखा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कपड़े बहुत ही अच्छे से सूख जाते हैं। ऐसा नहीं कि कपड़े जल जाते हैं या बेकार हो जाते हैं, बिल्कुल भी बेकार नहीं होते हैं। बस आपको गैस को बढ़ाना नहीं है, बस धीमी आंच पे ही इसको सेकना है। अगर आप लकड़ी वाले चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं तो जब भी खाना बना लें तो काफ़ी देर तक उसमें आग बनी रहती, तो उस पर भी आप कढ़ाई को इस तरीके से उल्टा करके रख दीजिए और आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से कपड़ों को सुखा सकते हैं। तो छोटे बड़े किसी भी प्रकार के कपड़ों को आपको रख देना है और अलग पलट के इस तरीके से अच्छे से सुखा लेना है। अगली टिप है जब भी हम लोग कपड़े सुखा लेते हैं तो क्या होता है, इसमें हल्की सी सीड़न बनी रहती है। सीड़न होने की वजह से इससे बैड स्मेल आने लगती है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर ले लेना है कोई भी टेलकम पाउडर
और जो कपड़े हैं उनको आपको इस तरीके से उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद में जो आपने पाउडर लिया हुआ है उसको आपको इसके ऊपर हल्का हल्का इस तरीके से छिड़क देना है। जैसे आप थोड़ा थोड़ा पाउडर को इस पर छिड़केंगे तो जो भी इसमें बैड स्मेल आ रही होगी कपड़े में बहुत ही अच्छे से समाप्त हो जाएगी। तो पाउडर को आपको इस तरीके से डाल के और हाथों से आपको इस तरीके से अच्छे से पूरे कपड़े में लगा देना है। पाउडर आपको थोड़ा ही डालना है। अगर आप पाउडर ना डालना चाहें तो यहाँ पर बैड स्मेल हटाने के लिए आप यहाँ बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का हल्का पाउडर इसमें लगा देंगे तो कपड़ों में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। ऐसे आप छोटे छोटे टिप्स को अपना के अपने घर और किचन के कामों को बहुत ही ज़्यादा आसान बना सकते हैं और अपने लिए समय को बचा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बस आपको हल्का हल्का पाउडर डालना है, बहुत ज़्यादा पाउडर बिल्कुल भी नहीं डालना है और इस तरीके से हाथों से लगा के और इसको तय बना के रख देना है। तो इस तरीके से आप भी अपने कामों को आसान बना सकते हैं। अगर आपको आज के टिप्स ज़रा भी यूजफुल लगे हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।